सब्सक्राइब कीजिए YP News चैनल को। वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुधांशु और 2019 का चुनाव करीब है। इस दौरान सोशल मीडिया पर तरह तरह के ट्वीट देखने को मिल रहे हैं, तरह तरह की पोस्ट देखने को मिल रही है और तरह तरह की वीडियोस देखने को मिल रहे हैं। सोशल मीडिया एक अहम किरदार निभाता है जनता तक नेताओं की बात को ले जाने में। पल पल की खबर ट्वीट पर मिलती है और फेसबुक पोस्ट पर मिलती है। कांग्रेस हो या BJP, सबकी IT सेल है और अलग अलग तरीके से तंज कसे जाते हैं ट्वीट करके। आरोप प्रत्यारोप होते हैं और सरकार हर योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाती है। तो ऐसे में कई दल हैं जो कि अभी भी सोशल मीडिया से बहुत दूर हैं। हम बात कर रहे हैं BSP यानी कि बहुजन समाज पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी जरूर है और उनके बहुत सारे नेता हैं जो अभी भी ट्विटर पर नहीं है। हालांकि मायावती ने इसकी शुरुआत कर दी है और मायावती ने ट्विटर पर अपना अकाउंट ओपन कर लिया है। हालांकि मायावती का अकाउंट अभी 6 महीने पहले से ओपन था, लेकिन वो ट्वीट नहीं करती थी, सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं थी और उनका अब अकाउंट वेरीफाइड हो गया है और वेरीफाइड होने के साथ ही वो ट्विटर पर आ गई हैं और ट्वीट भी करने लगी हैं। तो ट्विटर पर आने के बाद मायावती का स्वागत हो रहा है और उनके लगातार फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं। अब सवाल है कि जब सोशल मीडिया का दौर है तो आप इतने दूर क्यों रह जाते हैं? डिजिटल क्रांति ने जहां हर इंसान तक मोबाइल और सोशल मीडिया की टेक्नोलॉजी को पहुंचा दिया है, हर इंसान आज मोबाइल यूज कर रहा है, सोशल मीडिया से दूर नहीं है, तो आप एक राजनेता होकर इतने दूर कैसे रह सकते हैं? चुनावी माहौल है जहां सोशल मीडिया एक अहम किरदार निभाता है और जनता का रुख क्या है ये सोशल मीडिया से ही पता चलता है। तो ऐसे में देर से ही सही, लेकिन मायावती को समझ तो आ गया कि भैया सोशल मीडिया पे आना बहुत ही जरूरी है और 2019 का चुनाव नजदीक आ रहा है, तो सोशल मीडिया पर आए बिना और जनता से सवाल किए और जनता को अपनी बात पहुंचाए बिना काम नहीं हो सकता है। चलिए इस बीच ये भी देख लेते हैं कि किस नेता के कितने फॉलोअर्स हैं। तो आइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो पूरे विश्व में लोकप्रिय है और ट्विटर की अगर बात की जाए तो उनके फॉलोअर्स ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा हैं, चाहे शाहरुख खान हो चाहे अमिताभ बच्चन हो, इतने फॉलोअर्स इंडिया में किसी के नहीं है। इंडिया में नरेंद्र मोदी नंबर 1 पर हैं, तो विश्व में वो 21वें नंबर पर हैं और भारत में पहले नंबर पर हैं। बिल गेट्स आते हैं 20वें नंबर पर और नरेंद्र मोदी आते हैं 21वें नंबर पर। 45 मिलियन फॉलोअर्स हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑल ओवर इंडिया में नंबर 1 पर और विश्व पे 21वें नंबर पर। शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत पीछे हैं फॉलोअर्स की संख्या में। आइए बाकी नेताओं के फॉलोअर्स भी देखते हैं और आपको बताते हैं। अमित शाह के फॉलोअर्स की बात की जाए तो 12.4 मिलियन उनके फॉलोअर्स हैं। योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो 3.31 मिलियन उनके फॉलोअर्स हैं। राहुल गांधी की बात की जाए तो 8.43 मिलियन उनके फॉलोअर्स हैं। अरविंद केजरीवाल जिनके की 14.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं और इनका भी बहुत बड़ा योगदान है सोशल मीडिया से जनता के बीच आने में, क्योंकि इन्होंने ही शुरुआत की थी सोशल मीडिया की, इंडिया अगेंस्ट करप्शन की शुरुआत अगर किसी ने की थी, देश को जागरूक करने की शुरुआत अगर किसी ने की थी तो वो थे अरविंद केजरीवाल। नरेंद्र मोदी से पहले भी अगर कोई सोशल मीडिया पर जागरूक था तो वो थे अरविंद केजरीवाल। वहीं अखिलेश यादव की बात की जाए तो इनके 8.99 मिलियन फॉलोअर्स हैं। ज्योतिराज सिंधिया की बात की जाए तो 1.39 मिलियन फॉलोअर्स हैं। और प्रियंका गांधी की बात की जाए तो 2,29,000 फॉलोअर्स हैं इनके। फिलहाल जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब के फॉलोअर्स की मैं बात कर रहा हूँ और आगे प्रियंका गांधी अभी सोशल मीडिया पर एक्टिव हुई हैं और वो राजधानी पॉलिटिक्स में भी एक्टिव हुई हैं, तो उनके फॉलोअर्स बढ़ते हैं और बढ़ सकते हैं। वहीं मायावती भी एक्टिव हुई है और मायावती ने 3 दिन में करीब 3 लाख फॉलोअर्स जुटा लिए हैं और धीरे धीरे उनके फॉलोअर्स बम्पर स्पीड से बढ़ रहे हैं। तो मायावती को भी सोशल मीडिया पर आने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और कोशिश करेंगे कि वो भी जनता तक अपनी बात पहुंचाएं। तो सोशल मीडिया की बात हो रही तो सोशल मीडिया के जरिए मैं भी अपनी बात आप तक पहुंचा रहा हूं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई सुझाव या शिकायत है तो कृपया कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। जय